प्रणाम, हम छी मोनालिसा। आइए हम बनाबे जा रहल छी चावल के रोटी, तो वो भी आलू भर के। तो ओहिके लेल हम ई लऽ लेने छी चावल के आटा, ई एके रंग के कटोरी से ई दू कटोरी लेने छी। एहि लागी हम आई बाटी में नाप के ले रहल छी, जे पहिले बेर ट्राई करथिन चावल के रोटी बनाबे के तो वो भी आसानी से बना सकै छथिन। तो ओहिके लेल हम ई मेजर कैलिए, हम ई लेने छी दू कटोरी चावल के आटा, और ई उहे कटोरी से ले लेने छी हम अढ़ाई कटोरी पानी, और एकरा हम गरम होइके लेल राखि देने छी। हम तेज आँच कऽ दै छी, ई जब खोल जेतै ओकर बाद हम ई आटा में पानी रखबै। ई पानी उबल गेल छै तब हम ई आटा में राखि देबै। ई बड़ा बर्तन में हम रख लेली आटा के कटौती में, आइ देखू आराम से सब एक बेर हम नै रखबै। पहले आधा पानी रख लिया, मिक्स कर दीजिए अच्छा से। अभी सब पानी हम राख के मिला ले से मिला ले लिख रहा हूँ। अब एक हम झाँप देवे, एक झाँप दिल अब ये कनी कात राख दे छी, और हम चोखा के बता दे छी अहाँके ठंडो होते। तो हम चोखा बना लेने छी नमक राख के, तो नमक जे स्वाद अनुसार होइ छै ना, ओना हमसब खाना सिंपल से खाइ छी ओहिमे रखै छी स्वाद अनुसार नमक, लेकिन ये आलू पराठा ये सब बनै छै ओहिमे कनिक सन हल्का ज्यादा नमक रखै छी, ताहिमे हम कनिक ज्यादा नमक राख के एकरा चोखा बना लेने छी आलू उबाल के। तो चलू एकरा छौंक लै छी, गरम भऽ गेल छै ताहिमे हम तेल राखि देबै। हम लेने छी सरसों के तेल, तो कनिके तेल कनिक सन गरम होइ देबै। एहिमे राखि देबै आब जीरा, और साथ में ई लाल मिर्च, गैस के हम ऑफ कर दे छी। एहिमे हम ई राखि देबै पाकल जीरा, और नीक से मिला लेबै। अखन मिर्चाई हम नै रखबै कैलाकि बच्चा सब तीता नै खाइ छै, बच्चा सबके लेल दू तीनटा रोटी बना देबै ओकर बादे हम एहिमे मिर्ची रखबै। अभी चोखा के मिला के हम साइड में राखि लै छी। ई चावल के आटा देखो छुए लायक ठंडा भऽ गेल छै, सुसुम छै ई एकदम, हल्का गरमे एहने सुसुम जे रहै छै ना ओहने में सानि लेबै, तऽ नीक नरम आटा सनाइ छै। पहिले कनिक सन एकरा हम मिलेबै, ओकर बाद देखै छी पानी के जरूरत है कि नै। देखो बहुत बढ़िया आटा बेल छै, ठेके में ई मेजरमेंट के हिसाब से कैलिए, तऽ एकरा एनाहिते हम नीक जगह से और मिला लेबै। एहिमे पानी के आवश्यकता एकदमे नै पड़लै, तऽ अपने सब ध्यान राखब ई मेजरमेंट के तरीका चावल के आटा के। ई आटा सानि के हम तैयार कऽ लेने छी, तब हम रोटी बनेबै। एते तरह के हम लोइया लेने छी, तब हम चोखा भरि लेबै, तऽ हल्का सा आटा लगा लै छी हाथ में। बिना मिर्ची वाला हम भरि के साइड राखि लेलिए, ओकर बाद मिर्चाई मिला लेने छी। ज्यादा पतला नहीं करबै हमसब, याद रखबै ई बेस में भी मोटा रहे के चाही, और यहाँ पे भी मोटा ही, नहीं तो रोटी बेले टाइम में फूट जाए छै। ई ठीक छै, और छोटा बड़ा जे छै अपना हिसाब से अहाँ सब कऽ सकै छी, लोइया लऽ सकै छी। एना देखू चारों तरफ से बंद भऽ गेलै, एना ऊपर के तरफ हल्का हल्का कऽ के, ई देखू ना, एना नीक जगह से कऽ लेबै। अभी बेले के लेल तैयार छै। तऽ ई हम गहूम आटा के परथन ले लिअ, अहाँ चाहे तो चावल आटा के भी लऽ सकै छी। तुम हल्के हाथ से बेलबै, ये
ई साइड से क्रैक भ रहा है तक एना हम सब हाथ से जाँत ले हल्का हल्का आलू निकलते हुए को मतलब नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ता इसे। ये कनिक मोटे रहे ये रोटी, ज़्यादा पतला नहीं करबे हम सब। देखो बिलागल से ताई गरम भगल से बना से हम रोटी राख दिलिए, एक साइड कर लागे देवे कनिका और बाद पलटे हुए। तब हम रोटी के पलट लीजिए, देखियो बढ़िया से भगल से एक साइड से, तब उस साइड से बढ़िया से पाके देवे और बाद तेल रखबे। ये साइड से भगल से वह साइड से तो कनिक सन हम ऊपर से तेल राख देवे, हम ये पलट लेबे रोटी के। देखो एक साइड तेल रखबे तो दोनों साइड से भ जेतै, बढ़िया से सेका जेतै दोनों का नीचे का से पाई गेल से। अब अही में दोसर रोटी राख लेबे एहि पर, और अहिना हम सबटा रोटी सेक लेबे। देखो तैयार भ गेल छै आलू भर के चाउर के रोटी, और ई छै बैगन बड़ी के तरकारी ओल के अचार के साथ हम ले लिए, और प्याज मिर्चाय तो अपने सके जे इच्छा होए वही के साथ खा सके छी। चावल के रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगे छे, आशा छै कि अपने सके नीक लागल हेतै हमर ई रेसिपी।